उनको इधर बुलाओ ना। ड्राइवर कौन है आप? ड्राइवर वो लेकर आए रेड़े पे, यहाँ दुकान है मेरी, इधर से कहाँ लोड कर दिया है ये? मेरा गोडाउन है ना ये, मेरा घर पे गोडाउन, मेरा गोडाउन है ना, मेरा गोडाउन है वो घर पर है, ये दुकान है मेरी, शॉप का उतना काम है जो हार्ड कर। आपके पास ड्राइवर तो होगा कोई? ड्राइवर कोई नहीं, आप चलाते हो? चलाओ उधर चौक की चीज। आओ आप दो देख रहे हैं मोटरसाइकिल सर पूरा वाक्य है क्या, जो आज आप इकट्ठे हुए थे और दो लड़कों को आपने पकड़ा हुआ, क्या बात है, पूरी मामला क्या है? सर मैं ये अपने BKG कंपनी में काम करता हूँ, ब्रिज के पास नगरी में। तो मेरी नाइट ड्यूटी है, दिन में जब मैं नाइट में जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे चोरी हो चुकी होती है दिन में। तो आज ऐसे ही मैं चक्कर लगाने अड्डे की तरफ आया तो मैंने देखा कि ये सामान पुल वालों का था, तो इसलिए मैंने उनको पकड़ा। ये दो लड़के तो जनियाल से हैं, तो तीन लड़के नगरी से हैं। तो डेली इनका काम यही है कि नशा करना और चोरी करना, और कुछ सामान इनका फैक्ट्री से भी है, कठुआ से उठा रखा है उन्होंने। एल्युमिनियम का कोई रिसीवर है वो हमारा नहीं है, लेकिन जो एंगल उठाए हुए हैं ये हमारे हैं। पुल के जो लड़के नगरी के, उनके नाम क्या हैं? नाम से कुछ जानकारी है उनके नाम? सर एक का नाम तो मिंटू है, तो एक दोजो बोलते हैं उसको, दोजो दोजो जी। तो तीसरे का नाम मेरे को पता नहीं है सर। पांचों ही मिले हुए हैं? हाँ पांचों। तो पुलिस ने उनको आपने सूचित किया? पुलिस को सूचित किया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए अभी उनको जी। जिस तरह चोरियाँ सामने आ रही हैं क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि खुद भी एक पंच हैं आप? सर मैं वार्ड मेंबर भी हूँ पंचो तरफवाला वार्ड नंबर 6 से। ये चोरियाँ हो रही हैं दिन ब दिन, हमारी नाक में भी ऐसे आग जैसी लगा रखी है उन लोगों ने। कितनी चोरियां पकड़ते भी हैं, भाग भी जाते हैं, लेकिन सामने नहीं आते। आज तीन चार दिन जब से चोरी हो रही थी मैं देख रहा था कब मेरे काबू आएंगे, मैं पकड़ूं इनको, और आज पकड़े भी गए। और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने बाढ़ का और पंचायत का भी ख्याल रखें कि ऐसी चोरी ना दोबारा। मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको अभी हमने एक खबर दिखाई है, इसी खबर के रिलेटेड का हमारे पास अभी अपडेट पहुंची है। आप ठीक मेरे नीचे दो तस्वीरें देख सकते हैं, ये दोनों वही युवा हैं जो कल नगरी एरमा मोड़ में उस समय पकड़े गए, कबाड़िए की दुकान उस समय पकड़े गए, जहां पर ये चोरी का सामान सुनने में आ रहा है कि चोरी का सामान बेचने आ रहे थे। वहीं तरफवाला के वार्ड नंबर 6 के पंच अनिल कुमार ने इन्हें पकड़ाया और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये पुल का कोई सामान था, ये उठाकर लाते थे और जहाँ पर आकर बेचते थे। हालांकि कल ने रंगा हाथों पकड़ा है और उसी समय पुलिस के हवाले भी किया था। खुद नगरी चौकी इंचार्ज गाड़ी लेकर पहुंचे थे, इन दोनों लड़कों को ले गए थे अपने साथ। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि आपको बता दूं कि कल एक मामला जो है वो जनियाल से आया था, जहां पर एक महिला को बीती रात, महिला के घर में घुसकर बीती रात उसको अकेला पाकर उसे गया और उसके घर से चोरी करने के प्रयास से, महिला का आरोप है कि चोरी करने के प्रयास से वहां पहुंचे थे। और इसी घटना को लेकर जब महिला ने बमियाल थाने में शिकायत दर्ज करवाई, उसी को लेकर उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई जिसकी शिनाख्त हो चुकी है और ये दोनों युवा जो हैं इस मामले में सम्मिलित हैं। हालांकि आपको एक जानकारी हो बता दूं कि एक महीना पहले एक घटना ऐसे ही प्रकाश में आई थी जहां पर महिला की हत्या की गई थी, जिसके कान की बालियां और कान में कुछ सामान जो था वो लेकर चोर उड़ गए थे। और आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद उन लड़कों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले के बाद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इन दोनों की ओर शंका जाहिर करती है कि क्या ये उस मामले में सम्मिलित थे। अगर थे तो
पुलिस इनसे क्या कुछ पूछताछ करेगी। हालांकि फिलहाल ये दोनों युवा जो है नगरी थाने में है, क्योंकि कल अनिल कुमार पंच ने इन्हें पुलिस हवाले करवाया था, पुलिस के हवाले करवाया था, क्योंकि लगातार चोरियों के मामले इनके नाम से सामने आ रहे थे। अब देखना यह होगा कि बमियाल पुलिस और पंजाब पुलिस मिलकर इन दोनों से क्या पूछताछ करती है, दूसरा नगरी पुलिस इनसे क्या पूछताछ करती है। हालांकि ये खबर पुलिस सूत्रों के हवाले से है। दूसरा मैं को बता दूं कि एक खबर हमने और सुनी है कि उक्त महिला ने इनकी शिनाख्त करने के बाद यह भी कह दिया कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। हालांकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें पूछताछ को लेकर भी इन्हें पुलिस को अपने कस्टडी में रखना होगा और इनसे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं जो इनके नाम के सामने आ रहे हैं, इनके नाम से जुड़े हुए मामले सामने आ रही है। सबका जम्मू कश्मीर लगातार आपको खबरें दिखाता रहेगा, देते ही लगातार सबका जम्मू कश्मीर। हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लगातार देखने के लिए इन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक करिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। साथ में हमारा साप्ताहिक पेपर सबका जम्मू कश्मीर पढ़ने के लिए हमारे साथ संपर्क करिए, हम आपको पीडीएफ फाइल जरूर भेजेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लगातार खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।